आज रोज सोनगढ़ खाते आ विस्तार सहकारी क्षेत्र कल्याण माटे सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सोनगढ़ शाखा नवा बिल्डिंग भूमिपूजन खातमुहूर्त करवामां जेमां बैंकना चेरमेन श्री नरेश भाई पटेल, मैनेजिंग डिरेक्टर महावीर सिंह चौहान और डिरेक्टर श्री जिग्नेश भाई दोणवाड़ा साथ सहकारी राजकीय क्षेत्र अग्रणी उपस्थित रहा। सहकारी क्षेत्र थकी सोनगढ़ तालुका में ज नहीं परंतु समग्र गुजरात विकास में जेनु महत्वपूर्ण योगदान है और जे सोनगढ़ तालुका आर्थिक विकास में जीवादोरी सामन गणाय सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आधुनिक बिल्डिंग बनावा आज रोज सोनगढ़ खाते खातमुहूर्त भूमिपूजन कर आधुनिक बिल्डिंग निर्माण थकी लोग ने मल्से आधुनिक सुविधाओं। आ प्रसंगे बैंक चेरमेन श्री नरेश भाई पटेल विशेष उपस्थिति में भूमिपूजन करायु हतु। बैंक स्थानिक डिरेक्टर जिग्नेश भाई दोणवाड़ा हस्ते भूमिपूजन और खातमुहूर्त करायु हतु। बैंक मैनेजिंग डिरेक्टर महावीर सिंह चौहान पर पण आ प्रसंगे उपस्थित रहा था। आ विशेष प्रसंगे सोनगढ़ सहकारी मंडली और धिराण मंडली अग्रणीओं जणाव्या मुजब दूध मंडली सहित तमाम सहकारी और जंगल मंडली आ बैंक आशीर्वाद है जे मात्र धंधो करी लेवानी नीति साथे नहीं परंतु आदिवासी विस्तार ना कल्याण करवानी भावना साथे 70 वर्ष थी आ विस्तार मा काम करी रही छे। सोनगढ़ मुकामे सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ना सोनगढ़ शाखा नो मकान बनवा जई रह्यो छे। ए खातमुहूर्त प्रसंगे आ मकान लगभग 46-47 वर्ष जूनू हतुं। 1951 ની અંદર 25-2-51 ની અંદર આ બ્રાન્ચની શરૂઆત થયેલી, અત્યાર સુધીની અંદર 70 વર્ષ થયા અને મહત્તમ આ બેંકની અંદર લગભગ 42,000 કરતાં પણ વધારે ગ્રાહકો આ બેંકમાં ખાતા ધરાવે છે। આ બેંકનો બિઝનેસ લગભગ 100 કરોડથી વધુનો હોય। ग्राहकों ने पड़ती मुश्किलों ध्यान में राखी आ बैंकनी जे प्रीमाइसिस आवेली छे त्यां पार्किंग साथे सुविधावाळू मकान बने ए माटे आज रोज आ बिल्डिंगनुं खातमुहूर्त करवामां आवेलुं छे। आनी साथे नानी मोटी थईने लगभग 135 जेटली मंडळीओ जोड़ायेली छे। अने सोनगढ़ तालुकानो कार्य विस्तारनी वात करिए तो बोरदाथी मांडीने मलंगडे ओटा ए मोटो विस्तार आवेलो होय। भूतकाळमां आखा तालुकानी अंदर 183 गाम होवा छतां 2 ब्रांच हती, सोनगढ़ अने उकाई। आजे छेल्ला 5 वर्षनी अंदर आपणे बोरदानी अंदर ब्रांच चालू करी, बंधारपाड़ामां चालू करी, सिंगपुरमां चालू करी અને ઉકાઈનું મકાન પણ જર્જરિત હોય તેને પણ થોડું ઘણું રિપેરિંગ કરીને એક સારી સુવિધા ત્યાં પણ ઊભી કરી અને સોનગઢ મુકામે આજે આ ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે ત્યારે આવનારા દિવસોની અંદર આ બેંકની અંદર મહત્તમ ગ્રાહકોને લાભ મળે અને ખાસ કરીને વિશેષ આનંદ એ છે કે ટ્રાઇબલ વિસ્તારની અંદર આ 42,000 જેટલા ગ્રાહકો આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને સોનગઢમાં આવે એટલે આપણે સ્વર્ગસ્થ નાનકાકાને પણ યાદ કરવા પડે। સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંક આદિવાસી વિસ્તારના લોકોની સુવિધા માટે મોબાઈલ એટીએમ સુવિધાવાળી બસ ગામડે ગામડે સુધી મોકલવાની શરૂઆત કરવાની જાહેરાત પણ આજ રોજ કરાઈ હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્ટીવી ન્યૂઝ, સોનગઢ।